मेरठ के दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और जगह जगह सफाई अभियान चलाकर तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही मेरठ के शहीद स्मारक पर भी जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। बताया गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे पहले विक्टोरिया पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और शहीदों के आश्रितों को सम्मानित करेंगे। उसके बाद शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को नमन करेंगे और यहां शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। साथ ही एक ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के न्यूज संवाददाता राजू शर्मा ने एडीएम सिटी दिवाकर सिंह से खास बातचीत की है। देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 10 मई को मेरठ दौरा है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए एडीएम सिटी मौजूद है। सर, प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा है मेरठ, क्या कहेंगे? हाँ, ये 75वीं वर्ष की आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पूरे जो है मेरठ में जो है शहीद दिवस, क्रांति दिवस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिवस मनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आने की संभावना है, अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ जो है शहीद स्मारक में सबसे पहले ये जो अमर ज्योत ज्वाला है वहाँ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। फिर ये जो है शहीद स्मारक है और मंगल पांडे जी की मूर्ति है, उस पर पुष्पांजलि करेंगे। इसके बाद एक मल्टी जो है परपज का एक हाल बना है, उसका उद्घाटन होगा और यहाँ संग्रहालय में भी विजिट करेंगे। 10 मई का दिन क्यों खास है? क्या ऐसा हुआ था कि 10 मई के दिन ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरठ आ रहे हैं? तो ये 10 मई को जो है यहाँ से आज़ादी का जो है चिंगारी निकली थी और यहाँ से लोग फिर लाल किले पे गए थे और वहाँ जो है बहादुर शाह जफर को राजा घोषित किए थे, इसलिए इसका महत्व है। तैयारियों की क्या इंतजामात है? कितने जोरों शोरों से तैयारी चल रही है? तैयारी सब अच्छी चल रही है। एमडीए और नगर निगम द्वारा जो है, जो माननीय आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं, उनके तहत जो है सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं और इसका सुंदरीकरण का भी कार्य चल रहा है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ मेरठ के एडीएम सिटी। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारी जोरों तोरों पर सभी डिपार्टमेंट करने में लगे हुए। मैं अपने सहयोगी अरुण सागर के साथ राजू शर्मा के न्यूज़ मेरठ।